ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा चुनाव के रण में सियासी रोमांच चरम पर पहुंच गया है। बात यदि राजस्थान की करें तो दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 6 मई को प्रदेश की 12 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वैसे तो सभी सीटें अहम हैं, लेकिन नागौर सीट पर सबकी नजरें हैं। कांग्रेस ने यहां से ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी से गठबंधन करते हुए हनुमान बेनीवाल को मोर्चा सौंपा है। यह जग जाहिर है कि हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच पुरानी अदावत है। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरे के ऊपर खूब हमलावर रहे, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा पर सबसे बड़ा सियासी हमला प्रचार के आखिरी दिन बोला। उन्होंने लोगों से मतदान की अपील करते हुए कहा कि 6 मई को नागौर के मतदाताओं को एक फिल्म बनानी है, जिसका नाम होगा 2240 सासरिये। आप भी सुनिए हनुमान ने क्या कहा। घायल और तमाम नागौर संसदीय क्षेत्र की जनता उसे रिलीज करेगी। फिल्म का नाम है 2240 सासरिये। और इसकी विदाई हम सब मिलकर हरियाणा की तरफ तय करेंगे। आप सब अपने भाई को एक तरफा मतदान करना। हनुमान बेनीवाल ने इस मौके पर ज्योति मिर्धा पर खूब कटाक्ष किए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। दादाजी दादाजी तो खड्डो खोद नागौर नागदेव में तो मान धन्यवाद हो ये अड़ी खड्डा में बोल रही एक नई विकास की बुलंद इमारत खड़ी कर रहे हैं। ज्योति मिर्धा के पास तो दो है, दो चीज है उसके पास। एक तो उसका चपड़ा चीज है पर्स, और दूसरा है पर्स जो वो गाड़ियां फैल रहे थे। मन तो नहीं लगे। अब आपको तय करना है, लेकिन अब तीसरा मायरा नहीं बनना है। अब पावड़ा उठी गया फलका खाया कई दिन उगा का आज का होटल की रोटियां मंगा मंगा परेशान होगा कराए पनीर दाल कराई और ए फटकारा ठोकता फिरे। कल लाडलोंग में मीटिंग तो एक मेरे वक्ता बोला माइक पे कि कुछ एचआर नंबर की गाड़ियां हैं रोड से उनको हटवाओ। मैंने माइक लिया, मैंने कहा उनको किस लिए कर रहे हो। मैंने तो पावड़ा भेजा ज्योति दिन लेट खाते एचआर नंबर तेरा गाड़ियां लेर आएगा। तो अंदर गया था और गया था तो समझ लो संजीवनी दे दी। जोधपुर रामनाथ जी साथ जीते गया संजीवनी दे दी, बाड़मेर में दे दी, राजसमंद में दे दी और तमाम इलाकों के अंदर आरएलपी लड़ी थी सब कैंडिडेट को ज्वाइन कराया। कहीं वीडियो भेजा, कहीं टेलीफोन से सभाएं संबोधित करी। मैंने यह भी कहा था मुझे व्यक्तिगत आना हो तो भी बता देना, मैं तो रिस्क ही नेता हूँ, मेरा चुनाव छोड़ के भी आ जाऊंगा। मेरे भाई मजबूत है, चुनाव को संभाल लेंगे। मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।